हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैनल स्पेस। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बहुत 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 इंपॉर्टेंट लेसन सीखेंगे स्टूडेंट्स। आज का लेसन आपको जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये लेसन जो है स्टूडेंट्स आपके लिए जो है आपकी इंग्लिश को 40% बेहतर बना सकता है। ओके, 40% जो है आप इस इंग्लिश के जरिए, इस ग्रामर के जरिए आप अच्छी तरह बात कर सकते हैं इंग्लिश में। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, आपको फ्लुएंटली बात करना है तो आपको मॉडल वर्ब सीखना ही होगा। ओके ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, आपको यहाँ पर एक स्पीडोमीटर दिखाई दे रहा है। ओके, स्पीडोमीटर दिखाई दे रहा है, जहाँ पर एक नीडल या फिर आपको ये कहूँ कि एक हैंडल जो है आपको नजर आ रहा होगा। ओके, जो कि बिल्कुल सेंटर पर यहाँ पर रुका हुआ है। ओके, यहाँ पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है मैंने मॉडल वर्ब्स लिख दिए हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, मे, माइट, शुड, ऑट टू, शैल, विल, वुड, हैड, बेटर, यूज टू, नीड, डेयर, मस्ट। ओके, इसके नीचे अगर आप गौर कीजिए तो यहाँ पर जो है मैंने स्माइलीज यानी कि इमोजीज जो है मैंने लगा दिया है। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, इमोजीज जो है मैंने किस लिए लगाया है, क्योंकि ये मूड को बताते हैं। ओके, मॉडल्स, जैसे कि आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, मॉडल्स। ओके, मूड समझ आ रहा है आपको राइमिंग इसकी। ओके, मॉडल्स, मूड। ओके, यहाँ पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहला इमोजी जो है एकदम स्माइली फेस के साथ जो है आपको नजर आ रहा होगा। ओके, जो कि बहुत खुश नजर आ रहा है। और दूसरा इमेज देखिए स्टूडेंट्स, सिर्फ एक छोटा सा हल्का सा स्माइल है। और तीसरा इमोजी क्या है स्टूडेंट्स, बिल्कुल न्यूट्रल फेस में लगा हुआ है। और चौथा इमोजी क्या है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा उदास नजर आ रहा है, सैड नजर आ रहा है। और अगर आप पांचवा इमोजी अगर देखेंगे तो वहां पर पांचवा इमोजी देखिए स्टूडेंट्स, हमारा पांचवा इमोजी जो है बिल्कुल एंग्री नजर आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये सारे मॉडल वर्ब्स जो है मूड को और टेंस को बताते हैं। ओके, ये इस मॉडल वर्ब की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है स्टूडेंट्स। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपने मेरी ये हम एक एक मॉडल वर्ब को अच्छी तरह से समझेंगे और ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉडल वर्ब हम इसको किस तरह पढ़ेंगे, मॉडल पढ़ेंगे, ये मॉडल नहीं है स्टूडेंट्स, ये मॉडल वर्ब है। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, डिफाइन मॉडल वर्ब, ये मॉडल वर्ब इज ए वर्ब। ओके, मॉडल वर्ब जो है एक वर्ब है स्टूडेंट्स, दैट कंबाइंस विथ अनदर वर्ब, जो कि किसके साथ जुड़ा होता है, एक और वर्ब के साथ जुड़ा हुआ होता है। ओके, टू इंडिकेट मूड और टेंस, जो कि क्या इंडिकेट करता है स्टूडेंट्स, मूड और टेंस को इंडिकेट करता है। और एंड इट आल्सो प्रोवाइड एडिशनल एंड स्पेसिफिक मीनिंग। ओके, जो कि एडिशनल और स्पेसिफिक मीनिंग को स्पेसिफिक मीनिंग बताता है। ओके, एडिशनल मीनिंग और स्पेसिफिक मीनिंग देता है टू द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस, मेन वर्ब को एडिशनल मीनिंग और स्पेसिफिक मीनिंग देता है स्टूडेंट्स। ओके, यहां तक जो है ये मॉडल वर्ब की डेफिनेशन थी स्टूडेंट्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी मॉडल वर्ब्स इन इंग्लिश, ओके, कितने मॉडल वर्ब्स हैं इंग्लिश में, कितने मॉडल वर्ब्स इंग्लिश में हैं, ये देखते हैं स्टूडेंट्स। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, 13 मॉडल वर्ब्स एंड इट डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज। ओके, कितने कैटेगरीज में, टू कैटेगरीज में मॉडल वर्ब्स डिवाइड होते हैं स्टूडेंट्स। ओके, वो कैटेगरी क्या क्या है स्टूडेंट्स वो देख लेते हैं स्टूडेंट्स। गौर कीजिए, 13 मॉडल वर्ब्स हैं जो कि दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। ओके, पहला गौर कीजिए स्टूडेंट्स, मॉडल वर्ब, पहला क्या है स्टूडेंट्स, मॉडल वर्ब, इट हैव 9 वर्ब्स, दैट इज, ओके, ये जो है 9 वर्ब्स हैं, किसके पास है, इसके पास जो है मॉडल वर्ब के पास 9 वर्ब्स है। और वो ये हैं स्टूडेंट्स, गौर कीजिए, दैट इज कैन, कुड, शल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट। ओके, ये 9 मॉडल वर्ब्स जो है पहली कैटेगरी में आते हैं स्टूडेंट्स। ओके, मॉडल वर्ब में आते हैं, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, सेमी कॉसी मार्जिनल मॉडल वर्ब्स। ओके, इसको हम जो है दूसरी कैटेगरी में हम इसको क्या कहते हैं, सेमी मॉडल वर्ब्स भी कहते हैं स्टूडेंट्स। और इसको हम समाई भी पढ़ते हैं। ओके, चंद कंट्रीज में जो है समाई भी पढ़ते हैं, यहाँ पर जो है इंडिया में सेमी मॉडल वर्ब्स कहते हैं, इंडिया और पाकिस्तान में जो है सेमी मॉडल वर्ब्स कहते हैं। ओके, खासी मॉडल वर्ब्स, मॉडल
वर्ब्स, ओके, मार्जिनल मोडल वर्ब्स भी कहते हैं, ओके, क्रॉसिंग मोडल वर्ब्स भी कहते हैं, मार्जिनल मोडल वर्ब्स भी कहते हैं, यूज एज मेन वर्ब, ये किस तरह इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स, एज ए मेन वर्ब की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, और एंड मोडल वर्ब ऑल्सो इन ए सेंटेंस, और जो है मॉडल वर्ब की तरह भी इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, ओके, इट हैज फोर वर्ब्स, दैट इज ये जो है चार वर्ब्स हैं स्टूडेंट्स, और वो क्या है स्टूडेंट्स, गौर कीजिए, दैट इज वो ये हैं, ought to, used to, dare, need, ओके, ये जो है स्टूडेंट्स सेमी मॉडल वर्ब्स हैं स्टूडेंट्स, ओके, सेमी मॉडल वर्ब्स हैं, ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो है हमारा मोडल वर्ब का इंट्रोडक्शन खत्म हो गया है स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, मोडल वर्ब्स एक्सप्रेस आइडियाज सच एज, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, मोडल वर्ब्स क्या एक्सप्रेस करती हैं, आइडियाज को एक्सप्रेस करती हैं, ओके ओके, वो कौन से आइडियाज हैं स्टूडेंट्स, ये गौर कीजिए, अरे बाप रे, यहाँ पर आपको देखकर ही दिमाग खराब हो गया होगा स्टूडेंट्स, लेकिन आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, गौर कीजिए, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको मॉडल वर्ब बिल्कुल ही देखना चाहिए, और इस मॉडल वर्ब की वीडियो को अंत तक देखें, आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और कभी भी आपकी लाइफ में जो है मॉडल वर्ब में डाउट ही नहीं होगा स्टूडेंट्स, ये मैं आपको गारंटी के साथ देता हूँ, यह मेरी 100% गारंटी है स्टूडेंट्स, आपको इन सारे आइडियाज़ को याद करने की, ओके, इन सारे आइडियाज़ के मतलब को समझने की, इनके मीनिंग को अंडरस्टैंड करने की इसकी ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, ओके, परमिशन, एबिलिटी, ऑब्लिगेशन, प्रोहिबिशन, लैक ऑफ नेसेसिटी, एडवाइस, फॉर्मल, पॉसिबिलिटी, ये सारे चीज़ें जो है आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है स्टूडेंट्स, इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स, ओके, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके में आपको बताऊंगा, और जो है मॉडल वर्ब की तरह मॉडल वर्ब किस किस अंदाज में इस्तेमाल किया जाता है, किस किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा, ओके, बिल्कुल सिंपल तरीके से, अगर एक बार आपने ये सारी वीडियो देख लिया ना स्टूडेंट्स, आपको मॉडल वर्ब में आप 100% जो है एकदम माहिर हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ओके, आप किसकी आप किसी भी एग्जाम में, ओके, चाहे SSC हो, CGL हो, बैंक हो, एग्जाम कोई भी एग्जाम हो स्टूडेंट्स, कोई भी एग्जाम हो, या उस एग्जाम में जो है आप 100% जो है इस मॉडल वर्ब को करेक्ट कर देंगे, ओके, बिल्कुल सही आंसर देंगे, ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, इन सारे आइडियाज़ को आपको समझने की देखने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ओके, ये देखना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम अपने पहले मॉडल वर्ब की तरफ, ओके, हमारा मॉडल वर्ब क्या है स्टूडेंट्स, 13 मॉडल वर्ब्स हैं, उनमें से हमारा पहला मॉडल वर्ब कैन है स्टूडेंट्स, कैन किसके लिए इस्तेमाल होता है स्टूडेंट्स, सकता के सेंस के लिए, किसके लिए स्टूडेंट्स, सकता के सेंस के लिए जो है हम कैन का इस्तेमाल करते हैं, ओके, कैन एक मॉडल वर्ब है स्टूडेंट्स, ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, इसको हम सेंटेंस में किस तरह इस्तेमाल करते हैं ये भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स, इसके मॉडल वर्ब का पहला सेंटेंस स्टूडेंट्स, पहला मॉडल वर्ब का पहला सेंटेंस गौर कीजिए स्टूडेंट्स, आई कैन डू दिस वर्क, मैं ये काम कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, ओके, आई कैन डू दिस वर्क, मैं ये काम कर सकता हूँ, ओके, यहाँ पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मॉडल वर्ब कैन का इस्तेमाल हुआ है, और ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है स्टूडेंट्स, ओके, पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस है, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो है आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा, यहाँ पर आपकी एबिलिटी की बात हो रही है, ओके, आपके पास जो है क्षमता है उसकी बात हो रही है कि आप अपने हुनर से ये काम कर सकते हैं, ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स, आई कैन डू दिस वर्क, ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, हमारा दूसरा सेंटेंस, शी कैन नॉट, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है स्टूडेंट्स, यहाँ पर नॉट का इस्तेमाल हुआ है, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, शी कैन नॉट डील विद दिस मैटर, ओके, यहाँ पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, वो इस मामले, ओके, वो शी यानी के वो इस दिस यानी के इस मैटर, वो इस मामले के साथ निमट नहीं सकती, ओके, निमट नहीं सकती है, ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, निमट नहीं सकती, वो इस मामले के साथ निमट नहीं सकती, शी कैन नॉट डील विद दिस मैटर, यहाँ पर ये कहा गया है कि स्टूडेंट्स डील यानी के यहाँ पर जो है कोई बिजनेस डील की बात नहीं हो रही है स्टूडेंट्स, यहाँ पर निपटने की बात हो रही है, ओके, इसका दूसरा मीनिंग भी होता है स्टूडेंट्स, डील का दूसरा मीनिंग क्या है, निपटना, ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको, ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, हमारा तीसरा सेंटेंस, कैन यू डिले दिस पिक्चर, ओके, क्या आप, ओके, जैसे ही हम मॉडल वर्ब को पहले लाकर इस्तेमाल कर सकते हैं तो इसका एक
सवालिया जुमला होगा स्टूडेंट्स, ओके क्या होगा, सवालिया जुमला होगा और इस सेंटेंस को जो है एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है स्टूडेंट्स, या जो कि यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है और इसका जवाब जो है आपको सिर्फ हाँ या ना में देना है, ओके हाँ या ना में देना है स्टूडेंट्स, क्योंकि एक मॉडल वर्ब के से शुरू हुआ है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन, इसलिए जो है हम इसको जवाब में हाँ या ना देंगे, ओके गौर कीजिए स्टूडेंट्स, कैन यू डिलीट दिस पिक्चर, ओके क्या आप ये पिक्चर, ओके ये तस्वीर डिलीट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ओके यहाँ पर पूछा गया है स्टूडेंट्स, ओके आपके पास क्या इतना स्किल है कि आप ये पिक्चर ये फोटो जो है डिलीट कर सकते हैं, यहाँ पर ये पूछा गया है, ओके समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको, कर सकते हैं, ओके गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है इंट्रोगेटिव में ये पॉजिटिव सेंटेंस था स्टूडेंट्स, अब जो है सेंटेंस नंबर 4 जो है हम देख रहे हैं, कैन आई नॉट डेकोरेट माय रूम आल्सो, क्या मैं अपना कमरा, ओके माय रूम यानी कि अपना कमरा भी डेकोरेट यानी कि सजा नहीं सकता, ओके क्या मैं अपना कमरा भी सजा नहीं सकता, यहाँ पर आपसे पूछा गया कि मैं आपको अपना कमरा भी सजा नहीं सकता क्या, इतनी भी मुझे इजाजत नहीं है क्या, ये यहाँ पर पूछा गया है स्टूडेंट्स, इसके जवाब में आपको क्या देना चाहिए स्टूडेंट्स, हाँ या ना में ही आपको जवाब देना पड़ेगा, ओके गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है कैन आई जो है स्टूडेंट्स फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है स्टूडेंट्स, ये बात जो है मैंने आपको पर्सन ग्रामर के वीडियो में भी बताया था, अगर आपने मेरी पर्सन ग्रामर की वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को लास्ट में देखें स्टूडेंट्स, ओके यहाँ पर जो है माई, ओके यहाँ पर जो है माई का इस्तेमाल हुआ है स्टूडेंट्स, माई एक प्रोनाउन है स्टूडेंट्स, कौन सा प्रोनाउन है ये आपको देखकर कमेंट में बताना है स्टूडेंट्स, ओके और कीजिए स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरी प्रोनाउन की वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को भी लाजमी देखें स्टूडेंट्स, उस वीडियो में मैंने आपको प्रोनाउन की जो है पूरे सारे 10 टाइप्स जो है मैंने आपको बता दिए थे, वो भी बिल्कुल डिटेल में, ओके और कीजिए स्टूडेंट्स, कैन आई नॉट डेकोरेट माय रूम आल्सो, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ स्टूडेंट्स, हमारा एग्जांपल नंबर 5 क्या है स्टूडेंट्स, कैन का एग्जांपल नंबर 5, व्हाट कैन आई टीच, मैं क्या पढ़ा सकता हूँ, ओके मैं क्या पढ़ा सकता हूँ, यहाँ पर व्हाट के लिए क्या का इस्तेमाल हुआ है स्टूडेंट्स, WH क्वेश्चन वर्ड, अगर आपने WH क्वेश्चन वर्ड वर्ड की वीडियो नहीं देखा, WH फैमिली की वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को लास्ट में देखें स्टूडेंट्स, उस वीडियो में मैंने आपको WH क्वेश्चन के सारे वर्ड्स बताए थे स्टूडेंट्स, जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 6 टाइप्स ऑफ वर्ड्स जो है 6 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है मैंने आपको वहां पर बताया था, ओके व्हाट कैन आई टीच, मैं आपको क्या पढ़ा सकता हूं, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, हमारा अगला सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स, व्हाई कैन नॉट यू डिस्कस विद रमेश, ओके यहां पर ये पूछा जा रहा है कि आप रमेश के साथ डिस्कस क्यों नहीं कर सकते, ओके रमेश के साथ चर्चा क्यों नहीं कर सकते, आप रमेश के साथ क्यों चर्चा नहीं कर सकते, ओके यहाँ पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको 6 एग्जांपल्स दिए हैं, ओके 6 एग्जांपल्स दिए हैं, पहला एग्जांपल पॉजिटिव था स्टूडेंट्स, दूसरा एग्जांपल नेगेटिव था और तीसरा एग्जांपल जो है स्टूडेंट्स मॉडल वर्ब से जो है क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट्स, वो भी पॉजिटिव सेंटेंस, ओके अगर मॉडल वर्ब से, हमारा चौथा सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स, मॉडल वर्ब से नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है, ओके अगर हमारा पांचवां सेंटेंस देखें तो सिर्फ मॉडल वर्ब से ही क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर WH क्वेश्चन वर्ड से मॉडल वर्ब के साथ पूछा गया है, ओके और हमारा 6th क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, व्हाई कैन नॉट, यहाँ पर WH क्वेश्चन वर्ड के साथ नेगेटिव लगाकर मॉडल वर्ब के साथ क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट्स, इसी ऑर्डर में हम फॉलो करेंगे स्टूडेंट्स, आपको इसी तरह 6 टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी आपको समझ में आएंगे और स्टूडेंट्स इसका स्ट्रक्चर भी आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा और इसका मीनिंग भी आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा स्टूडेंट्स, ओके चलिए स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मॉडल वर्ब की तरफ स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट मॉडल वर्ब क्या है, गुड, सकता था के सेंस के लिए या फिर सका के सेंस के लिए या फिर पाया के सेंस के लिए, ओके किसके लिए, सकता था के लिए, ओके सकता है के लिए जो है स्टूडेंट्स हमने कैन का इस्तेमाल किया था, ओके सका और पाया, सकता था यानी कि पास्ट के लिए हम जो है कुड का इस्तेमाल करेंगे, ओके समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, हम इसको सेंटेंस में देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारा पहला सेंटेंस क्या है, आई कुड रीड, मैं पढ़ सकता था, ओके मैं पढ़ सकता था विदाउट स्पेक्टेकल्स, बिना चश्मे के, ओके बिना चश्मे के जब मैं जवान था, ओके व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था तब मैं बिना चश्मे के पढ़ सकता था, ओके समझ आ गया स्टूडेंट्स, जवान था तब मैं पढ़ सकता था लेकिन अब नहीं, ये पास्ट की बात हो रही है, ओके प्रेजेंट में पास्ट की बात हो रही है स्टूडेंट्स, समझ आ गया आपको, ओके गौर कीजिए स्टूडेंट्स, हमारा अगला सेंटेंस, ही कुड नॉट ट्रस्ट ऑन हर, ओके वो
उस पर, किस पर, उस लड़की पर, ओके, ही यानी कि वो, ऑन हर यानी कि उस पर, उस लड़की पर, ओके, ही कुड नॉट ट्रस्ट ऑन हर, ओके, वो उस लड़की पर ट्रस्ट नहीं कर सका, वो उस लड़की पर भरोसा कर नहीं सका या फिर पाया, वो उस लड़की पर भरोसा कर नहीं पाया या फिर कर नहीं सका, ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सका और पाया का सेंस भी आता है स्टूडेंट्स, कुड के लिए, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको, ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ स्टूडेंट्स, कुड यू ओबे योर पेरेंट्स, ओके, कुड यू ओबे योर पेरेंट्स, ओके, यहाँ पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है क्या पूछा गया है, क्या आप अपने माता पिता, ओके, अपने माता पिता या फिर उर्दू में कहूँ तो वालिदैन, ओके, अपने वालिदैन की बात मान सकते हैं, या आप अपने वालिदैन की बात मान सकते हैं या फिर जो है उनकी आज्ञा का पालन कर सकते हैं, अपने माँ बाप की, माता पिता की आज्ञा का पालन कर सकते हैं, ये बात जो है आपसे पूछी गई है स्टूडेंट्स, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कर सकते हैं, ओके, कर सकता था भी, ओके, सकता थे भी हम कह सकते हैं, सकते थे भी हम कह सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स, अगर पास्ट में पूछा गया है तो सकते थे, यहाँ पर जो है इंट्रोगेटिव है स्टूडेंट्स, ये सकते हैं का ही सेंस आएगा, ओके ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, कुड यू नॉट डिवाइड द केक टू यूर किड्स, ओके, क्या आप अपने बच्चों को केक नहीं बांट सकते, ओके, केक नहीं बांट सकते, ओके, यहाँ पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, क्या कुड यू नॉट डिवाइड द केक टू यूर किड्स, ओके, यहाँ पर जो है डिवाइड का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, डिवाइड का मीनिंग जो है बांटने के लिए इस्तेमाल हुआ है, ओके, डिवाइड का मीनिंग जो है स्टूडेंट बांटने के लिए इस्तेमाल हुआ है, क्या बांटते हैं स्टूडेंट्स, केक जो है अपने बच्चों को, ओके, आपके यानी कि अपने यानी कि आपके बच्चों को, ओके, यूर आपके बच्चों को आप केक भी नहीं बांट नहीं सकते, तो यहाँ पर ये पूछा गया है स्टूडेंट्स, ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, कुछ सेंटेंस नंबर 6, हाउ कुड यू डिस्टर्ब हिम, आप उसे डिस्टर्ब कैसे कर सकते हैं, ओके, आप उसे हिम यानी कि उसे कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं, हाउ यानी कि कैसे, ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको, आप उसे कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं, ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, हाउ मेनी ऑफ यू कुड नॉट ड्रिंक अल्कोहल, ओके, आप में से कितने लोग शराब नहीं पी सकते, ओके, आप में से कितने लोग शराब नहीं पी सकते, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको, यहाँ पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, मैंने पहला सेंटेंस पॉजिटिव में दिखाया स्टूडेंट्स, जो के सकता था, जो के पास्ट में था, ओके, पास्ट की बात हो रही थी, उसके बाद दूसरा सेंटेंस मैंने क्या लिखा स्टूडेंट्स, नेगेटिव में लिखा, और तीसरा सेंटेंस मैंने क्या लिखा स्टूडेंट्स, मॉडल वर्ब से इंट्रोगेटिव लिखा, ओके, वो भी पॉजिटिव क्वेश्चन, ओके, पॉजिटिव मॉडल वर्ब का क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, दूसरा, उसके बाद चौथा सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स, नेगेटिव मॉडल वर्ब क्वेश्चन स्टूडेंट्स, और चौथा पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है स्टूडेंट्स, हाउ कुड यू डिस्टर्ब हिम, ओके, आप कैसे उसे डिस्टर्ब कर सकते हैं, जो कि WH क्वेश्चन वर्ड का इंट्रोगेटिव सेंटेंस था स्टूडेंट्स, ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स, और सिक्स्थ जो है इंट्रोगेटिव में नेगेटिव था स्टूडेंट्स, वो भी WH क्वेश्चन वर्ड के साथ, समझ आ गया स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे मॉडल वर्ब की तरफ स्टूडेंट्स, हमारा तीसरा मॉडल वर्ब क्या है स्टूडेंट्स, शल, चाहिए के सेंस के लिए, या फिर ऊ के सेंस के लिए, या फिर गा के गी के सेंस के लिए, ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको, तीन सेंस के लिए जो है शल का इस्तेमाल होता है स्टूडेंट्स, चाहिए, ऊ, गा के, गी के सेंस के लिए, ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, इस मॉडल वर्ब को सीखने से पहले मैं आपको ये जरूरी रूल बता देता हूँ स्टूडेंट्स, शल का इस्तेमाल जो है सिर्फ फ्यूचर के लिए ही नहीं, चाहिए और ऊ के लिए भी इस्तेमाल होता है, और इसका एक रूल है स्टूडेंट्स, ये मॉडल वर्ब जो है सिर्फ और सिर्फ आई और वी प्रोनाउन के साथ ही इस्तेमाल किया जाता है, या फिर आप किसी नाम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी सब्जेक्ट के नाम के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आई या फिर वी के लिए भी, आप वी के लिए ही आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ओके, और कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने पहले एग्जाम्पल की तरफ स्टूडेंट्स, आई शैल ईट चॉकलेट, मैं चॉकलेट खाऊंगा, ओके, मैं चॉकलेट खाऊंगा, गा यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है, आई शैल ईट चॉकलेट, दूसरा सेंटेंस स्टूडेंट्स, वी शैल नॉट एस्केप फ्रॉम द क्लास, ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 3 की तरफ, शल का, शल आई फाइट विद देम, ओके, क्या मैं उनके साथ लड़ूं, क्या मैं उनके साथ लड़ूं, ओके, ऊ के सेंस के लिए, ऊ के सेंस के लिए जो है हम शल का इस्तेमाल करते हैं, ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, हमारा सेंटेंस नंबर 4 जो कि शल का है स्टूडेंट्स, शल आई नॉट फिल द बॉक्स, क्या मुझे ये डब्बा भरना नहीं चाहिए, ओके, भरना नहीं चाहिए, ओके,
भरूं? चाहिए के सेंस के लिए भी जो है शेल का इस्तेमाल होता है स्टूडेंट्स, क्या मुझे ये डब्बा भरना नहीं चाहिए? और एक सेंटेंस भी मैं इसी सेंटेंस को एक और अंदाज में मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स, हिंदी और उर्दू लैंग्वेज में। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, क्या मैं ये बॉक्स नहीं भरूं ऊ के सेंस के लिए भी किसका इस्तेमाल होता है स्टूडेंट, शल का इस्तेमाल होता है। ओके, ऊ और चाहिए के सेंस के लिए भी होता है, गा गे गी के सेंस के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, फॉर व्हाट शल आई एक्सप्लेन टू यू, मैं किस लिए आपको एक समझाऊं। ओके, मैं तुम्हें किस लिए समझाऊं, मैं किस लिए आपको समझाऊं या फिर तुम्हें समझाऊं। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको बात, मैं किस लिए आपको समझाऊं, आपको समझाऊं। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, हमारा इस शल मॉडल वर्ब का आखिरी सेंटेंस स्टूडेंट्स, फ्रॉम वेयर शल, ओके, फ्रॉम वेयर शल नॉट वी गो। ओके, हमें कहां से नहीं जाना चाहिए, कहां नहीं जाना चाहिए, हमें कहां से नहीं जाना चाहिए। ओके, कहां से के सेंस के लिए फ्रॉम वेयर का इस्तेमाल होता है स्टूडेंट्स। ये सारी चीजें जो है मैंने आपको पहले ही WH क्वेश्चन वर्ड्स के वीडियो में आपको बता दिया स्टूडेंट, जो कि WH फैमिली वर्ड्स भी कहते हैं। इन वर्ड्स का मीनिंग जो है वहां पर मैंने बताया था, यहां पर मैं आपको सेंटेंस के साथ बता रहा हूं। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मॉडल वर्ब की तरफ स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट फोर्थ मॉडल वर्ब क्या है स्टूडेंट, शुड। सिर्फ एक ही सेंस है स्टूडेंट, इसका सेंस क्या है, सिर्फ एक ही एक सेंस है स्टूडेंट्स, चाहिए के लिए। ओके, चाहिए के लिए जो है हम मॉडल वर्ब शुड का इस्तेमाल करेंगे। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स, गौर कीजिए आप, शी शुड फेस दिस सिचुएशन, उसे हालात का सामना करना चाहिए। ओके, उसे हालात का सामना करना चाहिए, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, He should not follow us. उसे हमारा पीछा नहीं करना चाहिए। ओके, पीछा यानी फॉलो, ओके, पीछा नहीं करना चाहिए, समझ आ गया स्टूडेंट्स, और कीजिए, should I fix this mobile? क्या मुझे ये मोबाइल फिक्स करना चाहिए, ये मोबाइल मुझे ठीक करना चाहिए। ओके, क्या मुझे ये मोबाइल ठीक करना चाहिए, should I fix this mobile? ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है स्टूडेंट्स, और कीजिए सेंटेंस नंबर फोर, शुड यू नॉट फॉरगिव हिम, क्या आपको उसे माफ नहीं करना चाहिए। ओके, शुड यू नॉट फॉरगिव हिम, ओके, शुड यू नॉट फॉरगिव हिम, और कीजिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, अंटिल व्हेन शुड आई फाइंड द एड्रेस। ओके, अंटिल व्हेन शुड आई फाइंड द एड्रेस। ओके, यहां पर क्या कहा गया स्टूडेंट्स, कब तक मैं एड्रेस ढूंढूं, ओके, कब तक मैं मुझे पता ढूंढना चाहिए, कब तक मुझे पता ढूंढना चाहिए, आखिर कब तक मैं ढूंढ सकता हूँ ना, मैं तो थक गया हूँ, अभी तो मुझे इसको रोक देना चाहिए, यही चीज जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है। ओके, अनटिल, यहाँ पर अनटिल गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अन जो है अनटिल यहाँ पर एक नेगेटिव नहीं है स्टूडेंट, जब भी आप अनटिल को जो है WH क्वेश्चन वर्ड के साथ लगा देते हैं तो वहां पर जो है नेगेटिव मीनिंग नहीं आता, वहां पर जो है तक का मीनिंग आता है। ओके, अनटिल व्हेन, कब तक मुझे पता ढूंढना चाहिए, ओके, फाइंड द एड्रेस, समझ आ गया स्टूडेंट्स। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, फ्रॉम हूज हाउस शुड आई नॉट गो। ओके, मुझे किसके घर से जाना नहीं चाहिए, मुझे किसके घर से जाना नहीं चाहिए। ओके, फ्रॉम हूज हाउस शुड आई नॉट गो, ओके, घर से यानी कि यहाँ पर जो है घर के सामने से, घर के ऊपर से जो है जाने की बात हो रही है स्टूडेंट, समझ आ गया आपको। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, हम मॉडल वर्ब नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि विल है स्टूडेंट्स। विल का सिर्फ एक ही सेंस होता है स्टूडेंट्स, गागे की, जो कि फ्यूचर के लिए कहा जाता है। मुझे पक्का पता है स्टूडेंट्स, आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को ये सेंस जो है पक्का पता होगा स्टूडेंट्स, विल जो है सिर्फ फ्यूचर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, आई विल गिव यू ये पेन, मैं आपको एक पेन दूंगा, गा के सेंस के लिए। ओके, गागे गी के सेंस के लिए जो है हम विल का इस्तेमाल करते हैं। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, हमारा दूसरा सेंटेंस, He will not Google it. Okay? वो ये Google नहीं करेगा, because क्योंकि he knows about this, क्योंकि उसे इस बारे में पता है। Okay? Google यानी कि यहाँ पर जो है Google में सर्च करने की बात हो रही है। Google जो है एक मॉडर्न जमाने का एक वर्ब है स्टूडेंट्स। ओके, एक वर्ब है, इसको यहाँ पर एक वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया है, ना कि एक वेबसाइट की तरह। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सेंटेंस नंबर 3 की तरफ, जो कि विल का है स्टूडेंट्स। विल यू गेस दिस आंसर, ओके, क्या आप
इसका जवाब अंदाजा लगाएंगे। क्या आप इस जवाब का अंदाजा लगाएंगे? विल यू गेस दिस आंसर? क्या आप इस जवाब का अंदाजा लगाएंगे? ओके, यहाँ पर जो है अंदाजा लगाने के लिए जो है गेस वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, जो कि इस सेंटेंस को गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है एक मॉडल वर्ब से जो है सेंटेंस शुरू हुआ है, जो कि एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है स्टूडेंट्स। यहाँ पर दिस का इस्तेमाल हुआ है स्टूडेंट्स, जो कि दिस जो है एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर आपने मेरी प्रोनाउन की वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को लास्ट में देखें स्टूडेंट्स। और यहाँ पर एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है स्टूडेंट्स, ओके गौर कीजिए स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 4 की तरफ। विल इट नॉट हैपन टुडे? ओके, विल इट नॉट हैपन टुडे? क्या ये आज नहीं होगा? क्या ये आज नहीं होगा? ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है फ्यूचर में सेंटेंस की बात हो रही है। वो कौन सा सेंटेंस है स्टूडेंट्स? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जो कि नेगेटिव में है स्टूडेंट्स, ओके। वो भी एक मॉडल वर्ब से शुरू हुआ है स्टूडेंट्स। यहाँ पर सिर्फ इसका जवाब जो है हम हाँ या ना में देंगे, ओके। विल इट नॉट हैपन टुडे? ओके, क्या आज ये नहीं होगा? ओके, जब भी किसी मॉडल वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट शुरू हो, तब जो है हम सिर्फ क्या का इस्तेमाल पहले करेंगे, ओके। क्या का इस्तेमाल जो है पहले होगा, ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो है विल इट का इस्तेमाल हुआ है स्टूडेंट्स। अगर आपने मेरी इट की वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को लास्ट में देखें स्टूडेंट्स। उस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और ऊपर में राइट हैंड साइड में जो कॉर्नर है, वहाँ पर कॉर्नर में जो है एक आई बटन दिखाई देगा। अगर वहाँ पर क्लिक करेंगे तब भी जो है आपको वो वीडियो मिल जाएगा, ओके। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, ओके। वेयर विल यू हैंग माई शर्ट? ओके, आपने मेरी शर्ट कहाँ लटकाओगे? आप मेरी शर्ट कहाँ लटकाओगे? ओके, लटकाने की बात हो रही है, कहाँ यानी कि जगह की बात हो रही है, ओके। वेयर विल यू हैंग माई शर्ट? आप मेरी शर्ट कहाँ लटकाओगे? समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। विथ होम विल यू नॉट टेक योर सेल्फ? ओके, आप किसके साथ? ओके, आप किसके साथ अपने आप को, ओके, योर सेल्फ यानी कि अपने आप को नहीं ले जाएंगे? ओके, नहीं ले जाएंगे। टेक मतलब यहाँ पर उठाने का नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ले जाने की बात हो रही है, ओके। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? ओके, और कीजिए स्टूडेंट्स, विथ होम विल यू नॉट टेक योर सेल्फ? आप किसके साथ अपने आप को ले नहीं जाएंगे? समझ आ गया स्टूडेंट्स? अब हम आगे बढ़ते हैं अपने मॉडल वर्ब की तरफ। सिक्स्थ मॉडल वर्ब हमारा क्या है स्टूडेंट्स? वुड। वुड, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, वुड का इस्तेमाल जो है तीन या फिर चार सेंस में इसका इस्तेमाल होता है स्टूडेंट्स, ओके। पहला सेंस जो है स्टूडेंट्स करता था के सेंस के लिए, ओके, करता था या फिर किया करता था के सेंस में जो है पहला है स्टूडेंट्स, ओके, वुड का इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो है स्टूडेंट्स ताते ती, उसके साथ में जो है तो हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, ओके। तो ता, फिर तो ते, तो ती के सेंस के लिए, ओके। मैं आपको सेंटेंस में बताऊंगा तब आपको अच्छा समझ आ जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपको एक मजाकिया लग रहा होगा, ता ते तो ती तो इस तरह का, ओके। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, हमारा इसका तीसरा सेंस क्या है स्टूडेंट्स? गा के गी के सेंस के लिए, प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी, ओके। फ्यूचर जो है प्रेजेंट में फ्यूचर की बात की जाएगी या फिर पास्ट में फ्यूचर की बात की जा चुकी होगी, ओके। उस अंदाज में जो है वुड का इस्तेमाल होता है स्टूडेंट। इसके चार सेंस है स्टूडेंट्स, चार सिचुएशंस में इसका होता है, करता था, किया करता था, ता ते ती तो के साथ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, गा के गी जो कि फ्यूचर इन प्रेजेंट, फ्यूचर की बात प्रेजेंट में या फिर पास्ट में, ओके। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? और कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, ओके। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स? I would beat the pillow. मैं तकिए को पीटता था या फिर मारता था, ओके। I would beat the pillow. ओके, मैं पास्ट में ये काम किया करता था, ओके, लेकिन अब नहीं करता, ओके, करता था। I would beat the pillow. मैं तकिए को मारता था, ओके, करता था के सेंस के लिए, ओके। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, He would not learn. वो नहीं सीखता था, ओके, वो नहीं सीखता था।
लर्न यानी कि सीखना, ओके। अगर आपने मेरी 1000 वर्ब्स की वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को लाजमी देखें स्टूडेंट्स। उस वीडियो में मैंने 1000 वर्ब्स बता दिए थे जो कि 30 डेज में लर्न करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका था, और उसमें मैंने हर वर्ब की मीनिंग और उसके 5 जो है फॉर्म्स भी आपको बताए थे स्टूडेंट्स, ओके। V1, V2, V3, V4, V5 भी आपको बताया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को लास्ट में देखें स्टूडेंट्स। उस वीडियो का लिंक जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है स्टूडेंट्स। और कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। इफ आई हैड मनी आई वुड हेल्प यू, ओके। अगर मेरे पास पैसे होते, ओके, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपकी मदद करता, ओके। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपकी मदद करता, ओके। ता ते ती के साथ जो है यहाँ पर तो का इस्तेमाल हुआ है। जब भी किसी इफ क्लास में जो है कमा आ जाए तो वहां पर तो का सेंस आता है स्टूडेंट्स, ओके। ता ते ती का सेंस भी आता है स्टूडेंट्स, ता ते ती का सेंस भी आता है और तो का सेंस भी आता है, ओके। समझ आ गया स्टूडेंट्स, मैंने आपको दो सेंस अच्छी तरह बता दिया है स्टूडेंट्स। अब मैं आगे बढ़ता हूँ अपने सेंटेंस नंबर 4 की तरफ। प्रोफेसर सेड दैट, ओके। प्रोफेसर सेड दैट, प्रोफेसर ने कहा कि He would buy something for us. वो हमारे लिए कुछ खरीदेंगे, okay? Past में प्रोफेसर ने कहा कि फ्यूचर के बारे में क्या कहा कि वो कुछ हमारे लिए खरीदेंगे, okay? Past में फ्यूचर की बात हो रही है स्टूडेंट, समझ आ गया आपको, जो कि तीसरा सेंस है, समझ आ गया स्टूडेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। आई थिंक इट वुड हॉलीडे टूडे, मुझे लगता है, यहाँ पर थिंक मतलब सोचना नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पर लगना है, ओके। आई थिंक इट वुड हॉलीडे टुडे, मुझे लगता है कि, ओके, मुझे लगता है आज हॉलीडे होगा, ओके, आज छुट्टी होगी, समझ आ गया स्टूडेंट्स। मैं अगर आपको एक सिचुएशन बताता हूँ स्टूडेंट, उसके बाद आपको अच्छी तरह ये सेंटेंस समझ आ जाएगा, ओके। मैं 7 बजे उठता हूँ और कहता हूँ कि मुझे लगता है कि आज स्कूल जो है छुट्टी होगी, ओके, स्कूल की छुट्टी होगी। तो यहाँ पर आपको बात समझ आ रहा है स्टूडेंट्स, मैंने 7 बजे कहा था, जो कि फ्यूचर के बारे में कह रहा हूँ, ओके, जो कि स्कूल जो है 9 या 10 बजे हम जाते हैं, समझ आ गया स्टूडेंट्स, ये चीज जो है यहाँ पर कहा गया है, ओके, ओके। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, प्रेजेंट में फ्यूचर की बात हो रही है, पास्ट में फ्यूचर की बात हो रही है, और ताते ती के सेंस के लिए हो रही है, और उसके बाद जो है करता था के सेंस के लिए भी हो रहा है स्टूडेंट, समझ आ गया। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सेंटेंस नंबर 6 की तरफ स्टूडेंट्स। हमारा सेंटेंस नंबर 6 क्या है स्टूडेंट्स, क्या आप हमारे साथ शामिल होना चाहेंगे, ओके, क्या आप हमारे साथ शामिल होना चाहेंगे, गे के सेंस के लिए, गे यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको। वुड यू लाइक टू ज्वाइन विद अस, ओके। लाइक का इस्तेमाल जो है यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हुआ है स्टूडेंट्स, ओके, इस तरह भी सेंटेंस बना जाता है। लाइक टू जॉइन, टू जॉइन यानी कि इन्फिनिटिव है स्टूडेंट्स। अगर आपने मेरी इन्फिनिटिव की वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को लास्ट में देखें स्टूडेंट्स। उस वीडियो का लिंक जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है स्टूडेंट्स, ओके। और कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। वुड यू नॉट लाइक टू इंसल्ट हिम, वुड यू नॉट लाइक टू इंसल्ट हिम, ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस मैं आपको समझाता हूँ बहुत ही बेहतर तरीके से स्टूडेंट्स। सेंटेंस नंबर 7, क्या आप उसका अपमान, उसकी तौहीन, ओके, अपमान यानी कि तौहीन, जो कि इंसल्ट को कहा जाता है, ओके, इंसल्ट को कहा जाता है, क्या आप उसका अपमान, हिंदी में, उर्दू में कहूँ तो उसकी तौहीन नहीं करना चाहेंगे, क्या आप उसकी तौहीन नहीं करना चाहेंगे, ओके, इंसल्ट के लिए जो है अपमान या फिर तौहीन का इस्तेमाल किया जाता है, ओके, नहीं करने की बात हो रही है, जो कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है स्टूडेंट, समझ आ गया। यहाँ पर भी जो है लाइक जो है आया है स्टूडेंट्स, और उसके साथ जो है इन्फिनिटिव आया है सेंटेंस में, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सेंटेंस नंबर 8 की तरफ स्टूडेंट्स। वुड यू प्लीज बी क्वाइट, क्या आप चुप रहेंगे, ओके, क्या आप खामोश रहेंगे, क्या आप खामोश रहेंगे, तो यहाँ पर जो है आपको कहा जाता है कि आप चुप रहें, ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स। वुड यू प्लीज बी क्वाइट, ओके, यहाँ पर जो है बी जो है स्टूडेंट्स बेस फॉर्म में है स्टूडेंट्स, जो कि होने की बात हो रही है, ओके, होने की, क्या आप चुप रहेंगे, रहे की सेंस की, ओके, रहने की सेंस के लिए
का इस्तेमाल हो रहा है स्टूडेंट्स, ओके। और कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है लाइक के बिना भी सेंटेंस फॉर्म किया जाता है, ओके, वुड का सेंटेंस, ओके। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, विच कार वुड यू मेक हैप्पियर, ओके। यहाँ पर इस सेंटेंस को थोड़ा इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स, इसका सेंस समझना आपको बहुत जरूरी है और सिचुएशन के साथ समझना, ओके। विच कार वुड यू मेक हैप्पियर, आपको कौन से कार से खुश होंगे, आप कौन से कार से खुश होंगे। विच कार वुड यू मेक हैप्पियर, आप कौन से कार से खुश होंगे, होंगे गे फ्यूचर की बात हो रही है, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको, ओके। यहाँ पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको दो सिचुएशन देता हूँ, ओके। अगर आपको एक बच्चे आपके पास है स्टूडेंट्स, एक बच्चा, और बच्चे को आप कार खरीद कर देना चाहते हैं, तो उस वक्त आपको ये पूछते हैं स्टूडेंट्स, विच कार वुड यू मेक हैप्पियर, आप कौन से कार से खुश होंगे, ओके, कौन से कार से होंगे, कौन से के सेंस के लिए, ओके, कौन से के सेंस के लिए हम विच का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपको दो तीन कार जो है आपके सामने रख दिया गया है, और वहाँ पर पूछा जाता है कौन से कार आपको सेलेक्ट करना है स्टूडेंट, तो इस सिचुएशन में आप इस सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे, ओके। अगर आपके पास अपने माता पिता हैं, तो आप पहली सैलरी में जो है कार लेते हैं, तो उस वक्त आपको अपने माता पिता से ये भी कह सकते हैं, ओके, विच कार वुड यू मेक हैप्पियर, ओके, कौन सी कार आपको, कौन सी कार से आप खुश होंगे, ओके, आप कौन से कार से खुश होंगे, फ्यूचर की बात हो रही है स्टूडेंट्स, ओके। मेक यानी कि यहाँ पर बनाना नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पर होना है, समझ आ गया स्टूडेंट्स, ओके। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हैप्पियर यानी कि एडजेक्टिव है स्टूडेंट्स, ओके। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, इन विच हाउस यू वुड नॉट हैप्पी, ओके, कौन से घर में, इन विच हाउस, कौन से घर में आप खुश नहीं रहेंगे, गे, ओके, फ्यूचर की बात हो रही है, गे, ओके, कौन से घर में आप खुश नहीं रहेंगे, समझ आ गया स्टूडेंट्स। ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है स्टूडेंट, जो कि WH क्वेश्चन वर्ड से पूछा गया है, जो कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है मॉडल वर्ब के साथ, ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स, ओके। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने मॉडल वर्ब नंबर 7 की तरफ। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने मॉडल वर्ब नंबर 7 की तरफ, ओके। में सकता है के सेंस के लिए, ओके, मैं किसके लिए, सकता है के सेंस के लिए मैं का इस्तेमाल किया जाता है। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, पहला सेंटेंस क्या है, राहुल मैं कम टू कॉलेज टुमारो, कि एक बात मैं आपको जरूरी बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, मैं यानी कि सकता है के सेंस के लिए, जो कि पॉसिबिलिटी है स्टूडेंट्स, ओके, ये काम होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम जो है मैं का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आपको कहूँ, जो कि मॉडल वर्ब नंबर 7 है, तो आप इस तरह से याद रख लीजिए कि मे का इस्तेमाल जो है 75% चांसेस हो तब जो है मे का इस्तेमाल होता है, ओके। राहुल मे कम टू कॉलेज टुमारो, राहुल कल कॉलेज आ सकता है, ओके, 75% चांसेस है कि राहुल कल कॉलेज आ सकता है, ओके, समझ आ गया स्टूडेंट। और कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सेंटेंस नंबर 2 की तरफ, जो कि मे का है स्टूडेंट्स, यू मे नॉट नो अबाउट हिम, ओके, हो सकता है, ओके, यू मे नॉट नो अबाउट हिम, हो सकता है आप उसके बारे में नहीं जानते हो, ओके, आप उसके बारे में नहीं जानते हो, वो ऐसा हो सकता है कि आप उसके बारे में नहीं जानते हो, ओके, वो बहुत कुछ कर सकता है, वो आपके खिलाफ भी जा सकता है, तो इस तरह के बातचीत से, इस तरह के कॉन्वर्जेशन में मे का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं, ओके, मे नॉट, हो सकता है आप उसके बारे में नहीं, नेगेटिव सेंटेंस के लिए। और कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सेंटेंस नंबर 3 की तरफ, मे आई जॉइन यू, क्या मैं आपके साथ शामिल हो सकता हूँ, मे आई जॉइन यू, क्या मैं आपके साथ शामिल हो सकता हूँ, क्या मैं आपके साथ जुड़ सकता हूँ, ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स। और कीजिए स्टूडेंट्स, सेंटेंस नंबर 4, मे आई नॉट किक हिम, क्या मैं उसे लात नहीं मार सकता, ओके, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि क्या मैं उसे लात नहीं मार सकता, ओके, मैं उसको किक यानी कि लात मारने की बात हो रही है, ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स, ये एक वर्ब है स्टूडेंट्स, जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पूछा गया है, ओके। और कीजिए स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, विद हुम मे रागिनी लर्न इंग्लिश, ओके, मे रागिनी, ओके, यहाँ पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, रागिनी किसके साथ इंग्लिश सीख सकती
है, ओके, सीख सकती है, ओके। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, मे का इस्तेमाल जो है सकता, सकती, सकते के सेंस में होता है स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो है 75% चांसेस है कि रागिनी किसके साथ इंग्लिश सीख सकती है। यहाँ पर जो है कंपलसरी एक आदमी उसके साथ इंग्लिश सीख रहा है, जिसके 75% चांसेस है, ओके। अगर सेंटेंस नंबर 4 देखें, मे आई नॉट किक हिम, क्या मैं उसे लात नहीं मार सकता, ओके। यहाँ पर पूछा जाता है, अगर आप ये जवाब दे दें तो 75% चांसेस है कि उसकी जो उसको जोर की लात पड़ेगी, ओके। समझ आ गया स्टूडेंट्स, ओके। और कीजिए स्टूडेंट्स, आप हम आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 6 की तरफ, जो कि मे का आखिरी सेंटेंस है। इन विच कंट्री मे नॉट एयरप्लेन लैंड, ओके। एयरप्लेन भी कहा जाता है, एरोप्लेन भी कहा जाता है, जो कि अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश है स्टूडेंट्स, ओके। ब्रिटिश इंग्लिश में एरोप्लेन है और एयरप्लेन जो है अमेरिकन इंग्लिश है, ओके। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, इन विच कंट्री मे नॉट एयरप्लेन लैंड, ओके, जो कि अंटार्कटिका है, ओके। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर सवाल समझा रहा हूँ स्टूडेंट्स, ना कि जवाब, ओके। इन विच कंट्री मे नॉट एयरप्लेन लैंड, कौन सी कंट्री में एरोप्लेन जो है लैंड नहीं हो सकता, ओके। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने मॉडल वर्ब नंबर 8 की तरफ स्टूडेंट्स। हमारा मॉडल वर्ब नंबर 8 क्या है स्टूडेंट्स, माइट, सकता है के सेंस के लिए, या फिर था के सेंस के लिए, शायद के सेंस के लिए, जो है इन तीनों सेंस के लिए जो है हम माइट का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स, ओके। एक और बात मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट्स, सकता है के सेंस के लिए जो है हम मे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और सकता है के लिए माइट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, सकता था के सेंस के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और शायद के सेंस के लिए भी हम माइट का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स, ओके। माइट यानी कि 25% चांसेस है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा शायद वो आ सकता है, ओके। 25% चांसेस होते हैं तब जो है हम माइट का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स, ओके। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, ही सेड दैट ही माइट गो टू स्कूल, ओके। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, उसने कहा था कि, ओके, उसने कहा था कि, ही सेड दैट ही माइट, उसने कहा था कि ही माइट गो टू स्कूल, वो शायद वो स्कूल जाए, ओके, शायद वो स्कूल जाए, ओके। समझ आ गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, जाए, ओके। इसी सेंटेंस को प्रेजेंट में भी हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स, प्रेजेंट में कहना भी बिल्कुल आसान होगा, ये सिर्फ सिचुएशन के हिसाब से हमको सेंटेंस को समझना है स्टूडेंट्स, ओके। ही सेड दैट ही माइट गो टू स्कूल, उसने कहा था कि शायद वो स्कूल जाए, उसने कहा था कि वो स्कूल जा सकता है, ओके, प्रेजेंट की बात हो रही है स्टूडेंट्स, है प्रेजेंट की, जाए पास्ट की बात हो रही है, ओके। था के सेंस के लिए भी होता है स्टूडेंट्स, जो कि ही सेड दैट, उसने कहा था कि, ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको, इस एक सेंटेंस में किस तरह के सेंस आ रहे हैं, किस तरह के मीनिंग आ रहे हैं, अलग अलग सिचुएशन के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। और कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, शी थॉट दैट शी माइट नॉट कैच द ट्रेन, ओके। और कीजिए स्टूडेंट्स, उसने सोचा कि, ओके, उसने सोचा कि, या फिर उसे लगा कि, ओके, लगा या फिर सोचा के सेंस के लिए जो है हम थॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं, शी थॉट दैट शी माइट नॉट कैच द ट्रेन, उसने सोचा कि शायद वो ट्रेन नहीं पकड़ पाएगी, ओके, शायद के सेंस के लिए जो है हम माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको, उसने सोचा था कि वो शायद ट्रेन पकड़ नहीं सकती, ओके, लेकिन वो पकड़ सकती है, ओके, इसके 25% चांसेस है। और कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने मॉडल वर्ब नंबर 8 के तीसरे सेंटेंस की तरफ, माइट आई बोरो दी स्टैपलर, क्या मैं स्टैपलर उधार ले सकता हूँ के सेंस के लिए, ओके, प्रेजेंट में बात हो रही है, माइट आई बोरो दी स्टैपलर, क्या मैं स्टैपलर ले सकता हूँ, ओके, उधार ले सकता हूँ, उधार के लिए जो है हम बोरो का इस्तेमाल करते हैं, माइट आई बोरो दी स्टैपलर, ओके। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, सेंटेंस नंबर 4, माइट आई नॉट ड्रिंक योर कॉफी, ओके। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सेंटेंस नंबर 4 की तरफ, माइट आई नॉट ड्रिंक योर कॉफी, क्या मैं आपकी कॉफी नहीं पी सकता, क्या मैं आपकी कॉफी नहीं पी सकता, ओके। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको, नेगेटिव जो कि नहीं के सेंस के लिए, ओके, नॉट। और कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, व्हाट माइट हैपन, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट्स, क्या हो सकता है, ओके, व्हाट माइट हैपन, क्या हो सकता है,
जो कि WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो कि मॉडल वर्ब के साथ पूछा गया है ओके। और ये स्टूडेंट्स एक पॉजिटिव है स्टूडेंट्स ओके। यहाँ पर गौर कीजिए, इन व्हाट वे यू माइट नॉट ट्रस्ट ऑन हर ओके, किस तरह से ओके किस तरह से उस पर भरोसा नहीं कर सकते ओके। आप उस पर किस तरह से भरोसा नहीं कर सकते, इन व्हाट वे यू माइट नॉट ट्रस्ट ऑन हर, किस तरह से आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते ओके। समझ आ गया स्टूडेंट्स, ट्रस्ट के लिए भरोसा का इस्तेमाल होता है, उस पर के लिए हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं, पर यानी कि ऑन का इस्तेमाल ओके। इन व्हाट वे, वे यानी कि यहाँ पर राह नहीं है स्टूडेंट्स, रास्ता नहीं है, यहाँ पर जो है तरह है ओके, तरह का सेंस के लिए। समझ आ गया स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने मॉडल वर्ब नंबर 9 की तरफ स्टूडेंट्स। मॉडल वर्ब नंबर 9 क्या है स्टूडेंट्स, 9 मस्ट चाहिए ओके। मस्ट जो है चाहिए के सेंस के लिए, सेंटेंस में जो है सेंस जो है स्टूडेंट जरूर का भी आ सकता है, अवश्य जरूर यानी कि उर्दू में जो है स्टूडेंट जरूर चाहिए या फिर अवश्य चाहिए ओके। समझ आ गया स्टूडेंट्स, जरूर और अवश्य जो है आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, लेकिन कंपल्शन की बात हो रही है, कंपल्सरी की बात हो रही है, मस्ट जो है आपको करना ही होगा ओके। इस सेंस के लिए जरूर चाहिए, अवश्य चाहिए, तो हम मस्ट का इस्तेमाल करेंगे ओके। और कीजिए स्टूडेंट्स, सेंटेंस नंबर 1 मस्ट का, शी मस्ट लिसन दिस लेक्चर ओके, उसे जरूर ये लेक्चर सुनना चाहिए, उसे ये लेक्चर जरूर सुनना चाहिए ओके, ये लेक्चर। समझ आ गया स्टूडेंट्स ओके। और नेक्स्ट सेंटेंस, यू मस्ट नॉट लाइट ए मैच ओके, आपको जरूर माचिस नहीं जलाना चाहिए ओके, आपको माचिस जरूर नहीं जलाना चाहिए। लाइट यानी कि यहाँ पर जलाने की बात हो रही है, लाइटर जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इस्तेमाल करते हैं किचन में लाइटर, वही उसी तरह यहाँ पर लाइट ओके। लाइट मतलब जो है यहाँ पर जो कमरे में जो लगाते हैं वो लाइट नहीं है स्टूडेंट्स ओके, लाइट मतलब यहाँ पर जलाने की बात हो रही है। यू मस्ट नॉट लाइट ये मैच, आपको माचिस बॉक्स भी जलाना नहीं है, बिकॉज क्योंकि द रूम इज फुल ऑफ गैस, रूम में जो है गैस भरा हुआ है ओके। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। मस्ट आई लव माय किड्स, क्या मुझे अपने बच्चों को जरूर प्यार करना चाहिए, अवश्य प्यार करना चाहिए ओके। यहाँ पर पूछा जाता है बच्चों ओके, किड्स ओके। यहाँ पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, किड्स का मतलब जो है किड यानी कि मजाक करना भी होता है, किड्स मतलब यहाँ पर बच्चों के लिए भी इस्तेमाल होता है स्टूडेंट्स। समझ आ गया, और कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। मस्ट सैम नॉट मीट हर ओके, और कीजिए स्टूडेंट्स, क्या सैम को उससे मिलना नहीं चाहिए, क्या सैम को उससे मिलना नहीं चाहिए, क्या सैम को जरूर उससे मिलना नहीं चाहिए, तो ये भी हम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स ओके। जरूर का सेंस आता है ओके, उससे यानी कि यहाँ पर जो है हर का इस्तेमाल हुआ है जो कि प्रोनाउन है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव लड़की के लिए इसका इस्तेमाल होता है ओके। और कीजिए स्टूडेंट, फॉर हुम यू मस्ट मेक ब्रेकफास्ट ओके, आपको किसके लिए अवश्य नाश्ता बनाना चाहिए ओके, अवश्य ओके जरूर ओके, किसके लिए आपको, सॉरी गौर कीजिए स्टूडेंट्स, आपको किसके लिए अवश्य नाश्ता बनाना चाहिए ओके, फॉर हुम यू मस्ट मेक ब्रेकफास्ट। और कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अबाउट हुम यू मस्ट नॉट मिस्टेक ओके, अबाउट हुम यू मस्ट नॉट मिस्टेक, आपको ओके आपको किसके बारे में गलती नहीं करनी चाहिए, अबाउट हुम किसके बारे में ओके, किसके बारे में के लिए अबाउट हुम का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपके लिए यू मस्ट नॉट मिस्टेक ओके, किसके बारे में गलती नहीं करनी चाहिए, नेगेटिव जो है नहीं, नॉट के लिए। समझ आ गया स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो है यहाँ पर आपको मैंने मॉडल वर्ब्स जो है सिखा दिया है स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉडल वर्ब की तरफ स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट मॉडल वर्ब क्या है स्टूडेंट्स, ऑट टू, चाहिए के सेंस के लिए, किसके लिए, चाहिए के सेंस के लिए, लेकिन सिर्फ गौर कीजिए स्टूडेंट्स, मॉरल ड्यूटीज के लिए ओके, मॉरल ड्यूटी के लिए चाहिए का सेंस सिर्फ हम इस्तेमाल करेंगे। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, सिर्फ एक ही सेंस है चाहिए का, और किसके लिए, मॉरल ड्यूटीज के लिए। अच्छा, ये मॉरल ड्यूटीज क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि सच बोलना ओके, गरीब बच्चों की मदद करना, ब्लड डोनेट करना,
प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना, जो कि मॉरल ड्यूटीज होती है ना स्टूडेंट्स, बड़े लोगों की इज्जत करना, तो इस तरह के चीज़ों के लिए हम R2 का इस्तेमाल करते हैं। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, वी ऑट टू टेल द ट्रुथ, हमें सच बोलना चाहिए। ओके, वी यानी कि हमें, ट्रुथ यानी कि सच, बोलना यानी कि टू टेल, ओके, बोलना चाहिए, ऑट टू। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह से? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। यू ऑट नॉट टू हर्ट पुअर पीपल। ओके, आपको गरीब लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहिए। ओके, आपको गरीब लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहिए। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स, हर्ट यानी कि तकलीफ देना, तकलीफ देने की बात हो रही है, समझ आ गया स्टूडेंट्स, नहीं देना चाहिए, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है स्टूडेंट्स, ऑट नॉट टू। ओके, यू ऑट नॉट टू हर्ट पुअर पीपल, आपको गरीब लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहिए। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, ऑट यू टू फाइट फॉर योर राइट्स, क्या आपको अपने हक के लिए लड़ना चाहिए? ऑट यू टू फाइट फॉर योर राइट्स, क्या आपको अपने हक के लिए लड़ना चाहिए? समझ आ गया स्टूडेंट्स, क्योंकि एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए मैंने मॉडल वर्ब को पहले इस्तेमाल किया है स्टूडेंट्स। ओके, इंट्रोगेटिव में पॉजिटिव सेंटेंस है स्टूडेंट्स, गौर कीजिए। अब हम इंट्रोगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। ओके, वो भी मॉडल वर्ब से जो इंट्रोगेटिव शुरू होता है उस तरह का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, ऑट वी नॉट टू डिसओबे आवर पेरेंट्स, ऑट वी नॉट टू डिसओबे आवर पेरेंट्स। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, क्या हमें अपने माता पिता को, अपने माता पिता को या फिर माँ बाप को या फिर वालिदैन को, ओके, तीनों का जो है बिल्कुल सेम ही मीनिंग है स्टूडेंट्स पेरेंट्स के लिए। ओके, बिल्कुल सही है, क्या अपने माता पिता की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए? क्या हमें अपने माता पिता की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए? क्या हमें अपने माँ बाप की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए? क्या हमें अपने वालिदैन की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए? ओके, आपको जिस तरह समझ आ रहे हो उस तरह आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, और कीजिए डिसओबे यानी कि नाफरमानी। ओके, नाफरमानी के लिए हम डिसओबे का इस्तेमाल करते हैं। ओके, ये एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है स्टूडेंट, जिसका आंसर हम सिर्फ यस और नो में ही जवाब देंगे। ओके, क्योंकि ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स, गौर कीजिए। When I ought to motivate physically challenged kids. Okay, यहाँ पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर physically challenged मतलब जो है अपाहिज लोगों के, उनके लिए, अपाहिज बच्चों के लिए कहा जाता है। ओके, उनके लिए जो है हम physically challenged का वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, कब मुझे अपाहिज बच्चों की हौसला अफजाई करनी चाहिए? ओके, कब यानी कि when, when, कब मुझे, आई मुझे अपाहिज फिजिकली चैलेंज किड्स बच्चों को, ओके, हौसला अफजाई, मोटिवेट करनी चाहिए, और टू, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह से? ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, आप हमारे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। ओके, व्हाई वी ऑट नॉट टू, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, व्हाई वी ऑट नॉट टू पोल्यूट आवर एनवायरमेंट। ओके, यहाँ पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, मैंने छोटी सी गलती कर दी है स्टूडेंट्स, टू पोल्यूट मैंने टू लिखना भूल गया हूँ स्टूडेंट्स, लेकिन आप जरूर से इसको लिख लें, व्हाई वी ऑट नॉट टू पोल्यूट आवर एनवायरमेंट। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, हमें अपने माहौल को गंदा क्यों नहीं करना चाहिए? हमें अपने माहौल को गंदा क्यों नहीं करना चाहिए? वी यानी कि हमें अपने माहौल को यानी कि आवर एनवायरमेंट को गंदा यानी कि टू पोल्यूट क्यों नहीं करना चाहिए? व्हाई ऑट नॉट टू, ओके, व्हाई ऑट नॉट टू। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, व्हाई वी ऑट नॉट टू पोल्यूट आवर एनवायरमेंट, क्यों हमें अपने माहौल को गंदा नहीं करना चाहिए? ओके, गंदा के लिए आलूद का भी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा प्योर उर्दू हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको गंदा गलत इस्तेमाल किया। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, आप हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मॉडल वर्ब की तरफ। हमारा नेक्स्ट मॉडल वर्ब क्या है स्टूडेंट्स? यूज्ड टू। ओके, ता था, ते थे, ती थी। ओके, अच्छा, इसका सेंस क्या आता है स्टूडेंट्स? ता था, ते थी, ते थे, ती थी। ओके, इसका सेंस जो है इस तरह आता है स्टूडेंट्स। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, ये मॉडल वर्ब जब हम इस्तेमाल करते हैं, जब हम किसी चीज के आदि हो जाते हैं, ओके, आदि हो जाते हैं,
उस चीज़ को हम हैबिचुअल बना लेते हैं, उस चीज़ की हैबिट हमें हो जाती है, तब हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, किसके सेंस में? था ते थे ती थी के सेंस में। ओके, और कीजिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। आई यूज टू ईट विथ यू, मैं आपके साथ खाता था। ओके, यहाँ पर जो है उस वक्त पर, ओके, पिछले पास्ट में वो उसके साथ खाने का आदि था, उसके साथ खाता था, लेकिन अब जो है उसके साथ नहीं खाता। ओके, आई यूज टू ईट विथ यू, मैं आपके साथ खाता था। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स, खाता था। अगला सेंटेंस गौर कीजिए स्टूडेंट्स, वी डिड नॉट यूज टू प्रैक्टिस ऑन नेट। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, हम नेट पर प्रैक्टिस नहीं करते थे। ओके, करते थे। ओके, यहाँ पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने ते थे का सेंस इस्तेमाल किया। सेंटेंस नंबर वन में मैंने किसका इस्तेमाल किया? आई यूज टू ईट विथ यू, मैं आपके साथ खाता ना था। ओके, क्योंकि सिंगुलर था। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है जैसे ही मैंने नॉट का नेगेटिव का इस्तेमाल किया, मैंने डिड का इस्तेमाल किया। ओके, डी यूज्ड को डी निकाल कर मैंने डिड बना दिया। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? हमें यूज्ड के मॉडल वर्ब को इसी तरह इस्तेमाल करना चाहिए, यही जो है सही है स्टूडेंट्स। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, डिड दे यूज टू पनिश हिम। ओके, क्या वो उसे सजा देते थे? ओके, दे थे। ओके, क्या वो उसे सजा देते थे, या फिर क्या वह उसे सजा देते थे? ओके, ओके, वो उसे सजा देने के आदि थे, लेकिन अब नहीं है स्टूडेंट्स। ओके, अब नहीं है, समझ आ गया स्टूडेंट्स? डिड दे यूज टू पनिश हिम, समझ आ गया स्टूडेंट्स? गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव के सेंटेंस में। डिड आई नॉट यूज टू रीड विथ यू, क्या मैं आपके साथ नहीं पढ़ता था? क्या मैं आपके साथ नहीं पढ़ता था? ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? डिड आई नॉट यूज टू रीड विथ यू, क्या मैं आपके साथ नहीं पढ़ता था? ओके, डिड आई का इस्तेमाल किया गया है। ओके, उसके बाद जो है मैंने नॉट, उसके बाद फिर मैंने यूज का इस्तेमाल किया। ओके, यहाँ पर हमने अक्सर देखा होगा स्टूडेंट्स, मॉडल वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब क्या है स्टूडेंट्स? डिड है, उसके बाद सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, उसके बाद नॉट आया है स्टूडेंट्स। ओके, समझ आ गया आपको बात? हमें इसी तरह इस्तेमाल करना है, यूज टू के बाद हमें नॉट को इस्तेमाल नहीं करना है। यूज टू के बाद हमें डायरेक्ट किसका इस्तेमाल करेंगे? वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, जो कि इन्फिनिटिव फॉर्म में होता है। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? गौर कीजिए स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। फ्रॉम वेयर डिड यू यूज टू गो विथ हर? ओके, आप कहां से उसके साथ जाते थे? ओके, आप कहां से उसके साथ जाते थे? ओके, यहां पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, उसके साथ यानी कि उसके किसके वहां पर हर लिखा है, क्योंकि वो एक लड़की है स्टूडेंट्स। ओके, फ्रॉम वेयर डिड यू यूज टू गो विथ हर, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? और कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं यूज टू के आखिरी सेंटेंस की तरफ। ओके, एट व्हाट टाइम डिड शी यूज टू रिटर्न होम? ओके, ओके, वो किस वक्त पर घर लौट आती थी? ओके, लौटती थी या फिर लौट आती थी, आप किस तरह भी से कह सकते हैं स्टूडेंट्स। एट व्हाट टाइम डिड शी यूज टू रिटर्न होम? ओके, वो किस वक्त पर घर लौटती थी? ओके, रिटर्न, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मॉडल वर्ब की तरफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मॉडल वर्ब को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज जरूरी बता देता हूँ स्टूडेंट्स, डेयर एंड नीड सेमी मॉडल वर्ब। ओके, मॉडल, ओके, मॉडल भी हम कहते हैं इसको। ओके, मॉडल वर्ब्स, इसके रूल्स हैं स्टूडेंट्स, इसके कितने रूल्स हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स। ये एक जो है डेयर एंड नीड जो है सेमी मॉडल वर्ब्स है, सिर्फ इसी सेमी मॉडल वर्ब्स के, इन दोनों के ही रूल्स हैं स्टूडेंट्स। ओके, ये रूल्स क्या क्या हैं स्टूडेंट्स? ये रूल्स जो है 7 रूल्स हैं, क्योंकि इसको हम एज ए हेल्पिंग वर्ब की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एज ए मॉडल वर्ब की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, इसलिए जो है इसको हम सेमी मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब कहते हैं। ओके, इसके रूल्स हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स, टोटल 7 रूल्स हैं स्टूडेंट्स। एक एक रूल आप नोट कीजिए और अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा स्टूडेंट्स, ये बहुत बहुत जरूरी है। वी कैन यूज ओनली इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ डेयर एंड नीड एज ए मॉडल वर्ब। ओके, जब भी हम
डेयर एंड नीड को एज ए मॉडल वर्ब की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं करते हैं, तब जो है हमें सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही इस्तेमाल करना है। ओके, इसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही इस्तेमाल करना है क्योंकि ये डेयर एंड नीड जो है सभी मॉडल वर्ब है। ओके, जब भी हम मॉडल वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं तभी, ओके, जब भी हम मॉडल वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं तभी हमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही इस्तेमाल करना है स्टूडेंट्स। ओके, समझ आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल्स की तरफ स्टूडेंट्स। इन प्रेजेंट टेंस वी डोंट नीड टू ऐड यस ईएस आईईएस विद सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, गौर कीजिए, जब भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस लिखते हैं तो उस वक्त जो है हमें यस ईएस आईईएस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसके साथ मॉडल वर्ब के साथ, ओके, डेयर एंड नीड मॉडल वर्ब के साथ हमें यस ईएस आईईएस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। सॉरी, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। वी डोंट नीड टू यूज इन्फिनिटिव टू वर्ब। ओके, टू प्लस वर्ब। ओके, हमें इस मॉडल वर्ब को यूज करते वक्त डेयर एंड नीड को डेयर नीड टू का इस्तेमाल जो है हमें नहीं करना चाहिए। ओके, ये बिल्कुल गलत होगा। जब भी हम मॉडल वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं तब जो है हमें डेयर एंड नीड को टू प्लस वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ओके, ये बिल्कुल गलत होगा। ओके, फोर्थ रूल और स्टूडेंट्स, वी डोंट नीड टू यूज डू डज डिड इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, अच्छा, यहाँ पर वर्क कीजिए, यूज टू के लिए हमने जो है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए हमने डू डज डिड का इस्तेमाल किया था। ओके, डू डिड का इस्तेमाल किया था, लेकिन यहाँ पर जो है हमें डू डज डिड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ओके, क्योंकि हमें इसको एक ऐसे मॉडल वर्क की तरह इस्तेमाल करेंगे, उसमें भी हम करते थे यूज टू में भी, लेकिन यहाँ पर जो है सिर्फ इसी मॉडल वर्ब्स के लिए जो है हमें डू डज डिड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऐसा करना बिल्कुल गलत होगा। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। वी कैन नॉट मेक WH क्वेश्चंस विद मॉडल वर्ब डेयर एंड नीड। ओके, हम WH क्वेश्चंस, ओके, हमें WH क्वेश्चंस भी नहीं बना सकते डेयर और नीड के साथ, एज ए मॉडल वर्ब हम नहीं बना सकते। ओके, मॉडल वर्ब के बिना जो है हम बना सकते हैं। ओके, एज ए हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं, तब जो है हेल्पिंग या भी हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब की तरह। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, वी कैन नॉट मेक WH क्वेश्चंस विद मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब डेयर एंड नीड। ओके, मॉडल वर्ब पे जब भी हम डेयर एंड नीड का इस्तेमाल करते हैं तब जो है हमें WH क्वेश्चन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ओके, जब भी हम मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं डेयर एंड नीड को, तब हम जो है WH क्वेश्चन का इस्तेमाल कर सकते हैं डेयर एंड नीड के साथ। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, हमारा अगला रूल, नीड एज ए मॉडल वर्ब वी कैन नॉट यूज इन पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, नीड को हम एज ए मॉडल वर्ब की तरह पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, ऐसा करना बिल्कुल गलत होगा। ओके, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो है मैंने आपको 6 रूल्स बता दिए हैं स्टूडेंट्स, गौर कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं आखिरी रूल की तरफ स्टूडेंट्स। नीड को हम इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते पास्ट में और फ्यूचर टेंस में, एज ए मॉडल वर्ब की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन एज ए मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, समझ आ गया आपको? ओके, आखिरी रूल गौर कीजिए स्टूडेंट्स, वी कैन यूज डेयर एज ए मॉडल वर्ब इन पास्ट टेंस बट नॉट फ्यूचर टेंस। ओके, हम डेयर को एज ए मॉडल वर्ब में इन पास्ट टेंस बट नॉट फ्यूचर टेंस। ओके, हम मॉडल वर्ब डेयर को पास्ट टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि नीड को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, लेकिन हम डेयर को पास्ट टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं बट फ्यूचर टेंस में हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट है स्टूडेंट्स, लेकिन आप जैसे इन 7 रूल्स को अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लेंगे, याद कर लेंगे, उसके बाद जो है आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसीलिए मैंने आपको इसको एक सेपरेट स्लाइड में रूल्स नाम डालकर मैंने आपको क्लियरली अच्छे नॉर्मल लैंग्वेज में जो है आपको बता दिया। ओके, अच्छी तरह से आपको बता दिया, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? इन रूल्स को आप अच्छी तरह याद कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये बहुत बहुत जरूरी है, इन रूल्स को आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। ओके, चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मॉडल वर्ब की तरफ। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट मॉडल वर्ब क्या है स्टूडेंट्स? डेयर। डेयर का सेंस क्या है स्टूडेंट्स? हिम्मत या फिर साहस। ओके, हिंदी में कहूँ तो साहस, अगर उर्दू में कहूँ तो हिम्मत।
डेयर का इस्तेमाल करते हैं, डेयर मॉडल वर्ब का। कौन कीजिए स्टूडेंट्स, इसका पहला एग्जाम्पल, ही डेयर नॉट आस्क। ओके, ही डेयर नॉट आस्क, उसे पूछने की हिम्मत नहीं है, उसे पूछने की हिम्मत नहीं है। ओके, यहाँ पर जो है एज ए मॉडल वर्ब इसका इस्तेमाल हुआ है स्टूडेंट्स, क्योंकि आस्क जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। समझ आ गया स्टूडेंट्स, ये जो है प्रेजेंट टेंस में है स्टूडेंट्स। किस में है? प्रेजेंट टेंस में है और नेगेटिव सेंटेंस है। समझ आ गया आपको, ही डेयर नॉट आस्क, ओके, उसे पूछने की हिम्मत नहीं है। और कीजिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल, डेयर ही कम, डेयर ही कम, क्या वो आने की हिम्मत करता है, क्या वो आने की हिम्मत करता है। ओके, क्या वो आने की हिम्मत करता है। ओके, प्रेजेंट टेंस में स्टूडेंट्स, और कीजिए डेयर ही कम, क्या वो आने की हिम्मत करता है। ओके, आने के लिए मैंने कम का इस्तेमाल किया, हिम्मत के लिए मैंने डेयर का इस्तेमाल किया। ओके, वो के लिए मैंने किसका इस्तेमाल किया, ही का इस्तेमाल किया। समझ आ गया स्टूडेंट्स, क्योंकि वो लड़का है, वो एक मेल है स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने ही का इस्तेमाल किया। समझ आ गया स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, डेयर ही नॉट गो। ओके, डेयर ही नॉट गो, क्या वो ना जाने की हिम्मत करता है, क्या वो ना जाने की हिम्मत करता है। ओके, क्या वो ना जाने की हिम्मत। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, डेयर ही नॉट, क्योंकि नेगेटिव है स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने कहा डेयर ही नॉट गो, क्या वो ना जाने की हिम्मत करता है। ओके, ये नेगेटिव है स्टूडेंट्स, लेकिन ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है स्टूडेंट्स। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको, हम सिर्फ नेगेटिव में इस्तेमाल कर सकते हैं और इंट्रोगेटिव में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, समझ आ गया आपको, इसीलिए मैंने आपको इन तीन सेंटेंस जो है प्रेजेंट टेंस में आपको अच्छी तरह से बता दिया है, वो भी नेगेटिव में ही बताया और इंट्रोगेटिव में ही मैंने आपको इसका इस्तेमाल करना बताया है स्टूडेंट्स। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ से जो है हम डेयर का इस्तेमाल एज ए पास्ट में करेंगे। ओके, ही डेयर्ड नॉट चैलेंज मी। ओके, उसे उसने मुझे चैलेंज करने की हिम्मत नहीं की। ओके, उसने ही यानी कि उसने मुझे मी यानी कि ही मी। ओके, उसने मुझे चैलेंज ओके चैलेंज करने की हिम्मत डेयर, लेकिन यहाँ पर डेयर्ड लिखा है क्योंकि पास्ट टेंस में है स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने डेयर्ड लिखा है। डेयर्ड हिम्मत नहीं की यहाँ पर मैंने क्यों लिखा है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर डेयर्ड के साथ डी लगा हुआ है, क्योंकि पास्ट टेंस है स्टूडेंट्स, की पास्ट में बात की जा रही है। ओके, पास्ट में उसने मुझे चैलेंज करने की हिम्मत नहीं की। ओके, समझ आ गया आपको बात। ओके, की जो है पास्ट के लिए, यहाँ पर डैड का इस्तेमाल जो है हुआ है डी डैड के लिए, इसलिए मैंने की का इस्तेमाल किया, क्योंकि ये पास्ट टेंस है स्टूडेंट्स। समझ आ गया आपको। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, डैड शी प्रॉमिस मी। ओके, क्या उसने मुझे वादा करने की हिम्मत की, क्या उसने मुझे वादा करने की हिम्मत की। डैड से शुरू हुआ है स्टूडेंट्स, ये इंट्रोगेटिव है और ये डैड जो है पास्ट टेंस में है, इसलिए मैंने कहा है कि क्या उसने मुझे वादा करने की हिम्मत की। ओके, या फिर क्या उसने मुझे वादा करने की साहस की। ओके, साहस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हिम्मत का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। ओके, समझ आ गया आपको बात, डैड शी प्रॉमिस मी। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, हमारा आखिरी एग्जांपल, डैड ही नॉट से। ओके, उसने बोलने की हिम्मत नहीं की। ओके, डैड ही नॉट से, उसने बोलने की हिम्मत नहीं की। उसने यानी कि यहाँ पर ही के लिए मैंने किसका इस्तेमाल किया, उसने का इस्तेमाल किया। ओके, उसने बोलने की, इसकी बोलने की से बोलने की हिम्मत के लिए मैंने डैड का इस्तेमाल किया, या फिर हम साहस भी कह सकते हैं। ओके, दोनों का इस्तेमाल बिल्कुल सही है। ओके, डैड ही नॉट से, उसने बोलने की हिम्मत नहीं की, नेगेटिव नॉट है स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने नहीं की कहा, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है। पहले तीन सेंटेंस जो है प्रेजेंट टेंस में थे स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने है का इस्तेमाल किया, फिर बाद के तीन सेंटेंसेस जो है पास्ट में है स्टूडेंट्स, और ये डैड के साथ डी लगा हुआ है, इसलिए मैंने की का इस्तेमाल किया, की पास्ट टेंस में। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक। ओके, उम्मीद करता हूँ
सेंटेंस ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। रूल से थोड़ा बहुत आप कन्फ्यूजन हो सकते हैं, जैसे सिर्फ आप इन सेंटेंसेस को फॉलो करेंगे, इन्हीं सेंटेंसेस की तरह आप और मेन वर्ब को इस्तेमाल कर बनाएंगे, तब आपको ये सेंटेंस जो अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाएंगे, आपको रूल्स भी अच्छी तरह समझ आ जाएंगे। आपको सिर्फ इन सेंटेंसेस को फॉलो करके और सेंटेंसेस बनाने हैं प्रैक्टिस में। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, आप हमारे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। हमारा नेक्स्ट मॉडल वर्ब क्या है स्टूडेंट्स? हमारा नेक्स्ट मॉडल वर्ब है नीड, जरूरत, आवश्यकता। ओके, नीड का इस्तेमाल जरूरत के लिए होता है और आवश्यकता के सेंस में होता है। ओके, लेकिन यहाँ पर आवश्यकता जो है हिंदी में है स्टूडेंट्स, जरूरत जो है उर्दू में है। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? हम दोनों का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स हिंदी और उर्दू लैंग्वेज में। गौर कीजिए, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे पहले एग्जाम्पल की तरफ। नीड का पहला एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स? ही नीड नॉट से एनीथिंग। ओके, need not say anything, उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं, उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स? ही उसे कुछ कहने की, ओके, एनीथिंग से कहने की जरूरत नहीं। ओके, यहां पर मैंने है का इस्तेमाल नहीं किया और की का इस्तेमाल जो है सेंटर में किया स्टूडेंट्स, कहने की जरूरत नहीं है। ओके, ये प्रेजेंट टेंस में ही है स्टूडेंट्स। ओके, ये प्रेजेंट टेंस में ही है स्टूडेंट्स और ये नेगेटिव सेंटेंस है। समझ आ गया बात आपको? नहीं है, उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है भी कह सकते हैं आप, लेकिन बिना है के भी कह सकते हैं, क्योंकि हमें देख के पता चल जाता है कि ये नीड जो है प्रेजेंट टेंस में ही इसका इस्तेमाल होता है और जो है नेगेटिव में ही होता है। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, आप हमारे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नीड शी सिट देयर, क्या उसे वहां बैठने की जरूरत है? क्या उसे वहां बैठने की जरूरत है? ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, नीड का इस्तेमाल पहले हुआ है क्योंकि इंटरोगेटिव है, इसलिए मैंने क्या का इस्तेमाल किया, क्या उसे के लिए शी का इस्तेमाल किया स्टूडेंट्स। नीड शी, क्या उसे बैठने की जरूरत है? ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स? गौर कीजिए स्टूडेंट्स, हमारा इस वीडियो का आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, नीड शी नॉट सर्च ए पेन, क्या उसे एक पेन ढूंढने की जरूरत है? क्या उसे एक पेन ढूंढने की जरूरत है? ओके स्टूडेंट्स, गौर कीजिए, ये इंटरोगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस है स्टूडेंट्स, क्योंकि हम डब्ल्यू एच क्वेश्चन के साथ नहीं बना सकते नीड का इस्तेमाल करके, इसलिए मैंने नीड का ही इस्तेमाल किया स्टूडेंट्स। नीड शी नॉट सर्च ए पेन, क्या उसे एक पेन ढूंढने की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ तक जो है नीड मॉडल वर्ब का वीडियो खत्म होता है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। अगर समझ नहीं आया तो मैंने वीडियो के नीचे जो है चैप्टर दे रखे हैं स्टूडेंट्स, हर मॉडल वर्ब के लिए आपको चैप्टर उपलब्ध है, अवेलेबल है स्टूडेंट्स। चैप्टर्स को क्लिक करके सिर्फ उन्हीं मॉडल वर्ब्स को भी आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स, मॉडल वर्ब इंग्लिश ग्रामर, इसको सीख जाए और आपको 40% इंग्लिश आसानी से बोल सकते हैं। यहाँ तक जो है मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।